हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक सही है। मैं दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए फिर से एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसकी मदद से अब आप अपने इंटरनल स्टोरेज में जो भी मेमोरी है उसको फ्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो एप्लीकेशन है वो सारे इंटरनल मेमोरी में सेव होते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते जाते हैं कुछ समय के बाद आपका इंटरनल स्टोरेज जो है वो फुल होने लगता है। तो उसको सही करने के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे जिसकी मदद से आप अपने ऐप्स को SD कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये कैसे करना है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इससे आपको कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप इंटरनल स्टोरेज से अपनी ऐप्स को SD कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या होता है, बहुत सारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें आप जो ऐप्स हैं उनको इंटरनल स्टोरेज से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा मोबाइल है जिसमें आप ऐप्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं और आपका इंटरनल स्टोरेज फुल का जो प्रॉब्लम है वो आपको परेशान कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और फ़ायदा उठाइए इस एप्लीकेशन का। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन है उसका नाम है ऐप मैनेजर 3। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा ये एप्लीकेशन है। दोस्तों यहाँ पे आप सर्च कीजिए ऐप मैनेजर 3, तो ये देखिए दोस्तों जो पहला रिजल्ट आपके पास आएगा ये आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों वो एप्लीकेशन, इसको आपने ओपन करना है। तो ये इसका इंटरफेस है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी आपका एप्लीकेशन है मोबाइल में वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो करेगा। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो मूव कर ली हैं, इसलिए यहाँ पे जो है सिर्फ 3 या 4 एप्लीकेशन दिखा रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ कि कैसे आपने एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना है अपने SD कार्ड में। तो दोस्तों जैसे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, 145 MB का है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो है वो ले रहा है मेरे इंटरनल मेमोरी पे। तो मैं क्या करूँगा इसको ट्रांसफ़र करके आपको दिखाऊँगा SD कार्ड में। तो क्या करना है, सिंपल आपने इस एप्लीकेशन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मूव ऐप का, तो यहाँ पे आपने मूव ऐप पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए प्ले का साइन जो है रेड कलर में बन के यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद नीचे देखिए राइट कॉर्नर पे आपको मिलेगा प्रोसीड टू मूव, तो यहाँ पे आपने जाके क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्लिपकार्ट का जो एप्लीकेशन का सेटिंग है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है स्टोरेज में। जैसे ही आप स्टोरेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज का। तो दोस्तों ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपके पास ऐप मैनेजर 3 होगा। अगर ऐप मैनेजर 3 नहीं है तो ये चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या है आप इसको यहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं। तो अब हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन हमको मिल गया है। तो यहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है कि आप डिवाइस मेमोरी पे इसको रखना चाहते हैं या SD कार्ड पे। अभी डिवाइस मेमोरी पे है तो हम इसको चेंज करेंगे SD कार्ड पे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ गया है हमारे पास मूव के लिए। तो डाउन पे राइट कॉर्नर पे मूव का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन जो है वो मूव होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये 100% हमारा जब हो जाएगा तो हमारा ये एप्लीकेशन जो है वो हमारे SD कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों ये 100% हो चुका है और ये एप्लीकेशन हमारा मूव हो चुका है। तो हम यहाँ से आ जाएंगे बैक, और बैक करेंगे ये देखिए फ्लिपकार्ट जो है वो यहाँ से मूव हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को SD कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, आपका स्टोरेज जो है वो सेव होगा और आपको स्टोरेज फुल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर
अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आपके पास आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।